उधर सिरसा में बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। देखिए अभी तो लोकसभा के चुनाव है, सबसे पहले तो वही रहेगा, उससे पहले राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव। पॉलिटिकली तो हर जगह का मैसेज आता है ना, इन स्टेटों में मेरा मानना है कि दोनों में बीजेपी जीतेगी। राजस्थान तो कभी लग ही रहा है, मध्य प्रदेश में भी बहुत तेज़ी से बीजेपी बढ़ रही है। एंटी इनकमेंसी फैक्टर हुआ अगर, तो 15 साल से बराबर बीजेपी जीतती आ रही है। शिवराज सिंह बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, तो मेरा यह मानना है कि बीजेपी एक एस्टेब्लिश पार्टी होगी, लंबी चलेगी। जिस दिन लोकसभा के चुनाव आएंगे उधर मेरा ये मानना है 300 से ऊपर सीटें बीजेपी जीतेगी, और जीतने के बाद हड़कंप मचेगा। जो आदमी बॉर्डर पर खड़े हैं ना, जो भगदड़ में रहते हैं, वो फिर भाग के आएंगे, सारा बीजेपी की तरफ माहौल ही ऐसा हो जाएगा, कांग्रेस भी छोड़ छोड़ के बाहर निकलेंगे। मेरा ये मानना है कांग्रेस में ज़बरदस्त फूट पड़ेगी, फिर कांग्रेस बीजेपी की तरफ भागी। आम आदमी पार्टी का नहीं, कभी हरियाणा में बेच नहीं, मध्य प्रदेश घूम दिए, ये हिमाचल में घूम दिए, कहीं कुछ नहीं। पंजाब में फ्रस्ट्रेशन थी, कई तरीके के हालात थे, अकाली दल से लोग नाराज थे, कांग्रेस के खिलाफ थे, तो एक मौका बन गया, मैं नहीं मानता। उसके बाद जब संगरूर का लोकसभा का चुनाव आया तो मान अपनी सीट ही नहीं बचा सके। मेरा ये मानना है कि गठबंधन जो है वो ऊपर जेजेपी और बीजेपी में हुआ है, और मेरी जो जानकारी है उस दिन नड्डा साहब के साथ बैठ के ये फैसला हुआ, अमित शाह जी के साथ हुआ। ये फैसला उनके लेवल पे होता है, अमित शाह जी, नड्डा साहब, मोदी साहब और मुख्यमंत्री जी के बीच में होता है। मैं नहीं मानता कि वीरेंद्र सिंह जी का, मेरा या किसी और का इसमें रोल रहेगा। हाँ, चाहे पार्टी आपस में कभी भी समझौते टूट सकते हैं, बन सकते हैं, पर मैं नहीं मानता कि वीरेंद्र सिंह जी के